दो दिवसीय 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शिमला में हुआ संपन्न। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीठासीन अधिकारियों को किया संबोधित। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी रखे अपने विचार। चंबा स्थित चमेरा डैम के तलेरू में आयोजित 9वीं नेशनल ड्रैगन वोट रेसिंग प्रतियोगिता आज संपन्न। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की समापन अवसर पर शिरकत। इस अवसर पर सीएम ने विजेताओं को किया पुरस्कृत और तलेरू में कई योजनाओं का भी किया शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला के कल समापन समारोह की करेंगी अध्यक्षता। मुख्य मंदिर परिसर में शीश नवाने के बाद देव पालकियों को कंधा देकर देंगे विदाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 नवंबर को ऊना विधानसभा क्षेत्र को देंगे 115 करोड़ रुपए की सौगातें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा, सरकार में नहीं होगा किसी भी प्रकार के बदलाव। उपचुनावों में हार पर मंथन जारी। पिछले रबी सीजन में हमीरपुर के किसानों को मिला 3,25,00,000 रुपए का मुआवजा। इस वर्ष भी 15 दिसंबर तक करवाया जा सकता है गेहूं की फसल का बीमा। भाजपा कार्यसमिति के सफल आयोजन के लिए संचालन समिति में 14 विभागों का हुआ गठन। 24 से 26 नवंबर को पीट ऑफ शिमला में होने जा रही है भाजपा कार्यसमिति की बैठक। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व को लेकर इन दिनों गुरुद्वारों में तैयारियां जारी। गुरु पर्व से पूर्व सोलन में गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शहर में नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल शिमला के गेटी थिएटर में 26 से 28 नवंबर तक होगा आयोजित। इसमें विभिन्न देशों की 58 फिल्में की गई हैं शॉर्टलिस्ट। हिमाचल के निर्देशकों की 7 फिल्में भी फिल्म फेस्टिवल में की गई हैं शामिल।